सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो फुल स्क्रीन स्टेटस देखा, इस तरीके का स्टेटस अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। साथ में अभी तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल मिल जाता है, सो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अलर्ट मोशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, राइट पे पेन पे क्लिक करना है, रिजोल्यूशन 1080x2340 कर लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है। ऑडियो पे जाना है, आपको जिस सॉन्ग का स्टेटस बनाना है उस सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है। मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेज ऐड कर लेना है। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जूम लेयर पे आना है, थोड़ा सा जूम इन कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद मूव में जाना है और आपको इस तरीके से ऊपर पूरा सेंटर में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना ताकि इमेज भी एंडिंग पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज 30 सेकंड तक है तो आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। जो इमेज मूव करेगा उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देना है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर प्लस पर क्लिक करना है और आपको इस तरीके से राइट स्वाइप करना है, ठीक है। इस तरीके से इमेज के एंडिंग पॉइंट पर चले जाना है। उसके बाद 5 सेकंड छोड़ के फिर से आपको क्या करना है, इस तरीके से 5 सेकंड पे आ जाना है, फिर से प्लस करना है, इस बार आपको लेफ्ट स्वाइप करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको लेफ्ट पूरा एंडिंग साइड पे लेके आ जाना है। उसके बाद फिर से आपको 10 सेकंड पे चले जाना है, मतलब 5 सेकंड आपको गैप रखना है इस तरीके से। फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है और इस बार आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड इस तरीके से आपको स्वाइप करना है। उसके बाद फिर से आपको 15 सेकंड चले जाना है, 5 सेकंड आपको गैप छोड़ना है। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करना और आपको लेफ्ट स्वाइप करना है इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट 20 सेकंड पे चले जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको इस तरीके से राइट स्वाइप करना है। उसके बाद फिर से 25 पे जाना है और आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको इस तरीके से लेफ्ट स्वाइप करना है। उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको इस तरीके से पूरा सेंटर में आके एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। उसको स्टार्टिंग पर भेजना तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेज मूव हो रहा है। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल ऐड करना है, इस तरीके से आपको रेक्टेंगल को फिल कर देना है और यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको कलर पे जाना है और आपको ग्रेडियंट पे जाना है और ब्लैक को आपको ये स्काई ब्लू सिलेक्ट करना है, कलर डीप कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कर्व को यहाँ पे व्हाइट कलर को ऊपर लेके जाना है और ब्लू को आपको नीचे रखना है इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है, रेक्टेंगल को भी आपको एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है। उसके बाद फिर से कलर एंड फिल में जाना है, व्हाइट कलर पे जाना है और आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्हाइट को ट्रांसपेरेंट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद एफेक्ट्स पे जाना है, एड एफेक्ट्स पे जाना है, ब्लर में जाना है, गेशियन ब्लर सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, स्ट्रेंथ आपको फुल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद रेक्टेंगल पे आना है, बैक आना है और आपको इस तरीके से ऊपर एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। अब देख सकते हैं इस तरीके से शेडो इफेक्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, मतलब लिरिक्स लिखना है। जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, आपको लिरिक्स लिखना है। उसके बाद लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे। उसके बाद फॉन्ट्स पे जाना है और आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है, ये वाला ह्यूज इज लाइफ आपको ये वाला सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम पे दिया हुआ है। उसके बाद साइज पे जाना है, इसका साइज आपको इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, 40 PT कर लेना है। कलर पे जाना है, ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है, आपको इस तरीके से नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके बाद राइट पे क्लिक करना है, आपको लिरिक्स चुन लेना है, जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, एफेक्ट्स पे जाना है, एड एफेक्ट्स पे जाना है, नीचे आना है, टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको एंडिंग पॉइंट के थोड़ा सा पहले प्लस पे क्लिक करना है, इसको आपको 100 कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, लेयर को कंपोनेंट करना है, फिर से नीचे आना है, एंगल पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और आपको 360 कर लेना है। उसके बाद आपने जो प्लस दिया था स्टार्ट में एंडिंग से थोड़ा पहले, उस पर प्लस पे और प्लस क्लिक करना है, इसको आपको 0 कर लेना है
और उसके बाद नीचे एन एस स्केल पर एनएस स्केल को आपको पूरा 10.0 कर लेना है। उसके बाद फिर से नीचे आना अल्फा पे जाना, अल्फा को -1.000 कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, ईजिन को 100 कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ब्लर पे जाना है, डायरेक्शनल ब्लर सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, डायरेक्शनल ब्लर ओपन करना है, अपने जो एंडिंग से पहले एक प्लस दिया था उस प्लस पे फिर से क्लिक करना है स्ट्रेंथ पे क्लिक करने के बाद, और आपको इसको 0 कर लेना है। उसके बाद एंडिंग पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, इसको 0.30 कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते लिरिक्स इस तरीके से आएगा। उसके बाद सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए क्या करना है, फर्स्ट लिरिक्स पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर कर लेना है। सेकंड लिरिक्स जिस पॉइंट स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आने के बाद सिंपल से प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर कर देना है इस तरीके से। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब जिस पॉइंट पे लिरिक्स एंड होता है उस पॉइंट पे आपको लेके आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाके जो भी लिरिक्स है आपको सिंपल से लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, तो इस प्रोसेस के साथ अभी सभी लिरिक्स आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको एक टेम्पलेट ऐड करना है, ये वाला टेम्पलेट ऐड करना है। वीडियो को सिलेक्ट करना है, म्यूजिक इसका म्यूट करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, लाइटन में जाना है, और आप अभी देख सकते हैं कलर डोज है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म मैंने जूम लेयर पर थोड़ा सा जूम इन कर लेना है इस तरीके से। तो हमारा ये स्टेटस जो है कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आएगा जो कि बहुत अच्छा लुक्स आ रहा है। उसके बाद राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।